हम लाते हैं टॉप न्यूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अनवकाश मुमताज टैक्स और आपके साथ हाजिर हूँ। पाकिस्तान का टैक्स निज़ाम 1922 के एक्ट के बाद, 1989 के ऑर्डिनेंस के बाद और 2001 के ऑर्डिनेंस के बाद मजबूत नहीं हो सका। ये कानून लाए तो गए लेकिन उनको नाफिसुल अमल नहीं किया गया, क्योंकि जो अरबाब इख्तियार थे वो इस पर पूरी तरह एग्री नहीं थे कि ये कानून पूरे पाकिस्तान में फैलना चाहिए, या उनकी इंटरेस्ट नहीं था इसमें कि ये कानून पाकिस्तान में पूरी तरह फैले और टैक्स निज़ाम पाकिस्तान का मजबूत हो। इसी तरह जब हम देखते हैं पाकिस्तान के टैक्स निज़ाम को तो हमें नज़र आता है कि एमनेस्टी स्कीम्स हैं, एग्जेम्पशंस हैं थी और पाकिस्तान का टैक्स निज़ाम कमज़ोर से कमज़ोर होता चला जाता था। जब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं पाकिस्तान के टैक्स निज़ाम को और, तो उसमें ये नज़र आता है कि इम्यूनिटी स्कीम्स आती हैं, ऑडिट से उनको एग्जेम्प्ट किया जाता है और उसके बाद फिर कहा जाता है कि पाकिस्तान के टैक्स नंबर्स नहीं बढ़ रहे, पाकिस्तान के टैक्स पेयर्स के नंबर्स नहीं बढ़ रहे। और इसी तरह जब टैक्स निज़ाम 1990 में सेल टैक्स एक्ट नाफिज़ुल अमल किया जाता है तो उस सेल टैक्स एक्ट में ये कोशिश किया में होता है कि वैट मोड में ये कोशिश की जाती है कि डॉक्यूमेंटेशन हो, सप्लाई चेन के जितने सेगमेंट हैं वो डॉक्यूमेंट हो, लेकिन पाकिस्तान में 1990 के बाद भी ये डॉक्यूमेंटेशन नहीं हो सकी क्योंकि पॉलिसी मेकर्स जो थे सीरियस नहीं थे और उन्होंने सही तौर पर इसको ग्राउंड नहीं किया और ये जो है 1990 का कानून जो है वो भी वो सम्राट नहीं दे सका जो उसके मिलने चाहिए थे। आम आदमी पाकिस्तान में महरूम है अच्छी तालीम से, सेहत के वसाइल से, ट्रांसपोर्टेशन से, इंफ्रास्ट्रक्चर से, और वो क्यों है? क्योंकि पाकिस्तान का टैक्स निज़ाम एक मजबूत टैक्स निज़ाम नहीं है। जब हम दुनिया भर तो जहाँ जहाँ जिन जिन मुल्कों में मजबूत टैक्स निज़ाम है वहाँ पर उनकी इकॉनमी भी बेहतर है, उनके यहाँ तालीम भी बराबरी के उसूलों पे दी जा रही है, उनके यहाँ लोगों के पास सेहत की भी वसाइल हैं, मरात हैं और उनके पास ट्रांसपोर्टेशन का भी एक अच्छा निज़ाम है, जिससे अमीर जो है ना और गरीब, अमीर और गरीब का जो है वो कम से कम होता जा रहा है, लेकिन पाकिस्तान में ये डिफरेंस बढ़ता जा रहा है और ये वजह यही है कि पाकिस्तान का टैक्स निज़ाम अच्छा नहीं है, बेहतर तौर पर उसको नाफिज़ अमल नहीं किया गया और ये हम आज प्रोग्राम में आगे बात करेंगे। हमें गेस्ट ने भी ज्वाइन किया इस्लामाबाद से और हम आपसे भी बात करेंगे प्रोग्राम में आगे और देखेंगे कि पाकिस्तान के टैक्स निज़ाम को कैसे बेहतर किया जा सकता है और कैसे इसको आगे लेके आम आदमी तक इसके जो वसाइल हैं वो पहुँचाए जा सकते हैं। नाज़रीन, ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे पाकिस्तान के टैक्स निज़ाम की, एक खाका मैंने खींचा कि पाकिस्तान का टैक्स निज़ाम कमज़ोर क्यों है, उसकी क्या वजूहात हैं, और हम आप देख रहे हैं कि वजूहात नज़र आ रही हैं पनामा लीक और पैराडाइज लीक के बाद काफ़ी लोगों को नाम आए हैं, काफ़ी लोग जो हुकूमतों में रहे और उन्होंने स्टेक होल्डर थे और डिसीजन मेकर्स थे उनके नाम आए हैं और ये वजह नज़र आती है कि पाकिस्तान का टैक्स निज़ाम कम की वजह क्या थी, क्यों पाकिस्तान का टैक्स निज़ाम कमज़ोर रहा। आइए हमारे टीम ने एक पैकेज बनाया है, उसको देखते हैं और फिर उस पर बात करते हैं। गुज़िश्ता बरस जारी होने वाले पनामा पेपर्स पनामा की मशहूर लॉ फर्म मोज़ेक फोंसेका की पर मबनी थे, लेकिन अब जारी होने वाले पैराडाइज पेपर्स कंपनी एप्पल बाई की दस्तावेज पर मुश्तमिल हैं। पनामा पेपर्स में 50 ममालिक के 140 नुमाया अफराद के नाम सामने आए थे। पनामा लीक्स में 1,15,00,000 दस्तावेजात सामने आई थी और इस 376 सहाफियों ने काम किया था। पैराडाइज पेपर्स में 47 ममालिक के 127 नुमाया अफराद के नाम शामिल हैं। पैराडाइज लीक्स में 1,34,00,000 दस्तावेजात शामिल हैं और इस काम के लिए 67 ममालिक के 381 सहाफियों की खिदमात हासिल की गई हैं। इनमें 180 ममालिक की 25,000 से जायद कंपनियां, ट्रस्ट और फंड्स का डाटा शामिल है। पैराडाइज पेपर्स में 2000 से लेकर 2016 तक का डाटा मौजूद है। पैराडाइज पेपर्स में जिन ममालिक के सबसे ज्यादा शहरियों के नाम आए हैं उनमें अमेरिका 25,414 शहरियों के साथ सरे फहरिस्त है, 12,707 शहरी, हांगकांग के 6,120 शहरी, चीन के 5,675 शहरी और बरमूदा के 5,124 शहरी शामिल हैं। इनमें सबसे अहम नाम साबिक वजीर आजम पाकिस्तान शौकत अजीज का है।
जो कि मुशर्रफ काबीना में पहली बार बतौर वजीर खजाना शमूलियत इख्तियार की थी और बाद अजां वो वजीर आजम पाकिस्तान बने। शौकत अजीज ने एंटार्क्टिक ट्रस्ट कायम किया, उनकी अहलिया और बच्चे उसकी बेनिफिशरी ओनर बने। साबिक वजीर आजम का ट्रस्ट डिलीवर में था और उसे बरमूदा से चलाया जाता था। बतौर वजीर आजम और बतौर वजीर खजाना इस ट्रस्ट को किसी भी मौके पर जाहिर नहीं किया गया। ICIJ के पाकिस्तान में मौजूद नुमाइंदे उमर चीमा के मुताबिक साबिक वजीर आजम शौकत अजीज के पास पाकिस्तान आने से 2 हफ्ते पहले ये ट्रस्ट कायम की। इस हवाले से शौकत अजीज ने न्यूयॉर्क से अपने वकील के जरिए बताया कि उन्हें ट्रस्ट पाकिस्तान में जाहिर करने की जरूरत नहीं थी क्योंकि वो सेटलर थे। उनके मुताबिक उनके बीवी बच्चों को भी जाहिर करने की जरूरत नहीं थी क्योंकि वो बेनिफिशरी थे, बेनिफिशियल ओनर नहीं। नाजिन, आपने देखा ये पैकेज हमारी टीम ने बनाया था, हम इस पर और भी बात करेंगे। हमें इस्लामाबाद स्टूडियो में ज्वाइन किया है फॉर्मर प्रेसिडेंट रावलपिंडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स सुमाया साहब ने। अस्सलाम वालेकुम सुमाया साहब, आप मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान के टैक्स निज़ाम में बुनियादी कमजोरी की वजह क्या है? देखिए, टैक्स निज़ाम का आज बल्कि मैं अभी देख भी रहा था जब अभी प्रोग्राम शुरू होने से पहले, तो टैक्स निज़ाम का जो मेन जो दारोमदार बढ़ता जा रहा है पिछले अगर हम दिहाई में देखें वो विदहोल्डिंग की तरफ ज़्यादा चल, तो हम यानी कि जो सही मानों में जो टैक्स का निज़ाम है जिसके अंदर फोकस होना चाहिए डायरेक्ट टैक्सेशन के ऊपर वो कम है। इनडायरेक्ट टैक्सेशन मतलब जस्ट टू गिव परस्पेक्टिव सुनने वाले और देखने वालों के लिए कि 7.6% सिर्फ जो है वो डायरेक्ट टैक्सेशन जो है वो अभी कलेक्शन हुई है, बाकी तमाम इनडायरेक्ट टैक्सेशन की मद में जा रही है। जबकि अगर पूरा निज़ाम देखें तो तकरीबन 16,000 एम्प्लॉयज़ काम करते हैं इस इदारे में, कि अगर इस तरीके से डायरेक्ट टैक्सेशन जो है वो नहीं बढ़ रही। अच्छा, अब डायरेक्ट टैक्सेशन जब नहीं बढ़ती तो उसके नतीजे में आप देखें जो इनडायरेक्ट टैक्सेशन है उसके अंदर फिर वो सिर्फ यानी कि वो पूरी तौर पे भी बोझ पड़ता है, क्योंकि हमेशा जब गवर्नमेंट से मिलते हैं, FBR से मिलते हैं, चेयरमैन साहब से या दूसरे उनके जो मेम्बरान हैं, तो हमेशा ये बात होती है कि वो ये कहते हैं कि जी जो सार्फीन हैं या जो कंज्यूमर्स हैं या जो यानी कि जिनको जिन पे टैक्स लागू होता है उनको देना चाहिए। इशू ये है कि दे उनका जो अप्रोच है वो अप्रोच इस तरह है कि जो गिव यू एन एग्जांपल, टैक्स टू GDP रेशियो हालिया पहले 9% थी, 10 से कम थी और अब बढ़ के शायद 12 से थोड़ी सी ऊपर गई है जी। अब इसके अंदर क्या इशू ये है कि जो नए लोग हैं या जो नए इसके अंदर शामिल होने चाहिए वो लोग नहीं आ रहे। वो क्यों नहीं आ रहे? यानी कि उसके अंदर वॉलंट्री जो उसके अंदर पार्टिसिपेशन है वो नहीं है। क्यों? कि जो एग्जिस्टिंग जो लोग हैं उनके साथ जब सलूक किया जाता है वो तकरीबन 47 मुख्तलिफ किस्म की पेमेंट्स हैं जो एक यानी कि एक बिजनेस को, एक प्रोप्राइटर को या एक किसी भी ट्रेडर को मुख्तलिफ मद में जमा करानी पड़ती हैं। 311 घंटे लगते हैं। ये तमाम चीज़ें जो हैं ये जो पिन्स एंड प्रिक्स हैं उसकी वजह से जो ट्रस्ट डेफिसिट है उसमें इजाफा हो रहा है। और इसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है जो कि आप ये देखेंगे जो एक्सपोर्टर है हमारा, एक्सपोर्ट घट रहा है और एक्सपोर्टर का जो सबसे बड़ा इशू है कि उसको टाइमली उसका जो कैश फ्लो है वापस नहीं मिल रहा, यानी कि वहां से पेमेंट नहीं आ रही। अब हुकूमत जो है जो आपका इनकम टैक्स जो सालाना इनकम टैक्स हमने जमा कराना होता है उसका एक कह लें कि एक टारगेट दिया जाता है कि हर क्वार्टर में आप एडवांस इनकम टैक्स जमा करा दें, राइट? तो हुकूमत ने जो साल के आखिर में आपका टैक्स बनना है या मोस्ट प्रोबेबली बनने के चांसेस हैं वो आपसे एडवांस में ले रहे हैं, लेकिन जो आपका एक्सपोर्टर है या जो आपका ट्रेडर है उसको वो उसके जो पैसे हैं लिक्विडिटी वो वापस नहीं दे रहे। अच्छा, ये मुझे बताएं कि ये लैक ऑफ इंट है, ये भी वजह है टैक्स निजाम को कमजोर होने की? इन्फोर्समेंट का इशू भी है और उसमें उनकी अप्रोच का इशू भी है। मसलन जब अभी मैंने जिक्र किया कि क्यों विद होल्डिंग के ऊपर दारोमदार बढ़ रहा है, बिकॉज इट इज़ एन ईजी वे आउट ना, आपको पैसिव इनकम मिल रहा है, आपको मेहनत नहीं करनी पड़ रही, आपको जाना नहीं पड़ रहा, आप अपने दफ्तर से बैठ के मुख्तलिफ नोटिस जो हैं वो सर्व कर रहे हैं जो एग्जिस्टिंग लोग आपके नेटवर्क के अंदर हैं। जो लोग नए हैं उनके लिए आपको उनके पास जाना पड़ेगा, उनके बिजनेस प्रोसेस को समझना पड़ेगा, उनके जो पिटफॉल्स हैं उनको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, उनके साथ गुफ्त शनीद करनी पड़ेगी, उनको फॉलोअप करना पड़ेगा, तो इन्फोर्समेंट का एलिमेंट आ जाता है। तो आई थिंक इट इज़ द लेजीनेस, ठीक है? और फिर ट्रस्ट डेफिसिट जो है वो कैसे पूरा होगा जब गवर्नमेंट और ये तमाम इदारे जो हैं लोगों को दे विल स्टार्ट ट्रीटिंग देम विद रिस्पेक्ट, उनको उनकी डिग्निटी देंगे, उनको रिस्पेक्ट के साथ ट्रीट करेंगे। यहाँ पर ऐसे ऐसे लोग हैं जो यानी कि जो हुकूमत की नज़र में भी बड़े अच्छे टैक्स पेयर्स हैं, उनके साथ भी जो है जो जिस तरीके से जो सलूक होता है, जिस तरीके से उनको अप्रोच किया जाता है, तो दूसरे लोग जो है वो कहते हैं कि भाई हम तो इस नेटवर्क से बाहर ही अच्छे हैं। ये जो टैक्स पेयर है अपना ड्यू टैक्स देने पर क्यों नहीं आमादा?
सर यकीन माने कि पता नहीं, मैं तो खैर जब से मैं इन्वॉल्व रहा हूँ चैम्बर की पॉलिटिक्स और उसमें रहा हूँ, हर फोरम पे बात की है। 3 या 4 जगह थी जहाँ पर आपकी ब्लैक इकोनॉमी पार्क होती थी। लकीली हुकूमत ने कुछ ना कुछ कोशिश की है कि जो रियल इस्टेट में थी उसको उन्होंने कंट्रोल करने की कोशिश की है, लेकिन अभी 114 जो है उसको जो एक प्रोटेक्शन हासिल है ये डेफिनेटली एक बहुत बड़ा इंपेडिमेंट है। लेकिन जिस तरीके से हम इंटरनेशनल एजेंसीज के साथ और हम जो सिग्नेटरी बनते जा रहे हैं कि जहाँ पर हम शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन है, चाहे रियल इस्टेट में हो, चाहे डबल टैक्सेशन के बारे में बात आ जाती है कि जो हमारे मुल्क से बाहर पाकिस्तानी हैं उनकी अगर बाहर भी खाते हैं, और ऑब्वियसली इसमें पनामा और अब पैराडाइज ये भी चीज़ें आ रही हैं, ऑफशोर कंपनीज भी आ रही हैं, तो ये चीज़ें अब मुश्किल होती जाएंगी। लेकिन 114 अच्छा, ये हुकूमत के जब भी कोई नया टैक्स लाया जाता है तो चैम्बर ऑफ कॉमर्स और ट्रेड बॉडीज जो है ना उसको अपोज करती हैं। नहीं 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 नहीं, ये एक मिथ है। देखिए चैम्बर जो है कभी भी, एक तो पहली बात है कि चैम्बर बॉडी के अंदर जितने लोग हैं वो तमाम वो हैं जो रजिस्टर्ड हैं, एनटीएन पेयर्स हैं और एनटीएन होल्डर्स हैं और सालाना अपना फाइल करते हैं, ठीक है। आप मालूम है उसके बगैर हम बन नहीं सकते उसका मेंबर, और सालाना वी हैव टू रिवाइज दैट। तो दूसरी बात ये, हम जब करते हैं हम बात करते हैं हैवी हैंडेडनेस की। हम बात करते हैं कि एक शख्स जो है 50 साल से टैक्स पेयर है, आपको एक अच्छा मुनाफा दे रहा है, हुकूमत को दे रहा है, एक्सचेकर को दे रहा है, आप उसको अचानक रेड करके एक दिन जो है वो बंद कर देते हैं। और दूसरी तरफ जो मैं हमेशा जिक्र करता हूं प्रोग्राम्स पे, ब्लू ओशन स्ट्रेटजी है कि एक तरफ पूरा ब्लू ओशन खाली है, उसको आप नहीं अप्रोच करें, जिसके अंदर मैं खुद सर्विसेज सेक्टर से हूं, सर्विसेज सेक्टर में बेतहाशा अभी अपॉर्चुनिटीज हैं। इसके अलावा एग्रीकल्चर के बारे में हम बात करते रहते हैं, एग्रीकल्चर के भी जो है वो चले वो प्रोविंस में आ जाता है, लेकिन उसके अंदर भी बहुत अभी मतलब उसके अंदर मिस्ड अपॉर्चुनिटीज हैं। और इसके साथ साथ नो डाउट के जो ये एक्सपोर्टर्स हैं और इसके अंदर जो फ्लाइंग इनवॉइसेस हैं और ये सारी चीज़ें हैं, इनको बेहतर करने की ज़रूरत है। तो जो नए लोग हैं जो इस नेट से बाहर हैं, रिटेल है पूरे का पूरा, ट्रेड बॉडीज़ हैं जो मतलब बड़े लेवल पे पूरे मुल्क पे फैली हुई हैं, काम कर रही, वो क्यों नहीं आ रही? उनको इसलिए नहीं आ रही कि उनका आप जब टैक्स रेट को कम करेंगे तो उनके लिए इंसेंटिव होगा, और उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो वो ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसमें आएंगे। तो ये एक मिथ है। अच्छा, इसमें स्टैंडिंग कमेटी एग्जैक्टली अच्छा, इसमें अक्सर औकात जो पॉलिसी मेकर्स हैं जब हम उनके साथ टेबल पे बैठते हैं वो कहते हैं जी कि नहीं हम कैसे करें, हमारा रेवेन्यू गिर जाएगा। तो मैंने उनको लास्ट टाइम कई स्टैंडिंग कमेटी पे और जगहों पे जहां मौका मिला इंटरेक्ट करने का, मैंने उनको ये कहा कि आप बराए मेहरबानी हमारी इस बात को मत तस्लीम करें, आप इसको एक पायलट कर लें। आप लीजिए कि जी आप हर प्रोविंस से 4 डिस्ट्रिक्ट्स ले लें और उनके ऊपर पायलट करके देख लें, किसी एरिया में पायलट करके देख लें, आपके सामने रिजल्ट्स आ जाएंगे। और ये रिजल्ट्स अगर हम इसको देखें तो प्रोविंशियल लेवल के ऊपर जो यानी सूबे हैं उसकी जो कलेक्शन है, फॉर एग्जाम्पल सिंध बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जो है, अगर हम कंपेयर करें पंजाब बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के साथ या पीआरए के साथ, तो इसके अंदर सिंध ने अपने अपने रेट्स को घटाया है, उसकी वजह से उनके रेवेन्यूज में इजाफा हुआ है। सो इस तरह के एग्जांपल्स हमारे पास विद इन द कंट्री मौजूद हैं, लेकिन अगर फिर भी यकीन ना करें तो इसको पायलट कर लें। आपके ख्याल में क्या एफबीआर को इंडिपेंडेंट होना चाहिए? देखें प्रॉब्लम क्या है कि एक इदारा है जिसका काम है कलेक्शन, एफबीआर या जो टैक्स कलेक्शन अथॉरिटी है, उसका सबसे बड़ा इशू है कि उसने गवर्नमेंट की फंक्शनिंग को जो है वो हेल्प करना है। गवर्नमेंट दूसरी तरफ जो इनएफिशिएंट है, वो गवर्नमेंट लूज करी, एक तरफ जो स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस है वहां से आप पैसे लूज कर रहे हैं और दूसरी तरफ आप इधर से कलेक्ट कर रहे हैं, और जो डिफरेंस रह जाता है जो टैक्स मतलब जो बजट डेफिसिट है या अब जो फिस्कल डेफिसिट है, इस वक्त जो हमें बहुत बड़ा इस वक्त हॉवरिंग फिस्कल डेफिसिट है, उसके अंदर हम क्या करें? फिर हम डेट जो है वो शॉर्ट टर्म डेट ले रहे हैं विद इन द कंट्री, और लॉन्ग टर्म की तरफ शायद हम चले जाएं दोबारा से IMF प्रोग्राम में। तो ये वो मसाइल हैं कि जब तक हुकूमत अपनी अपने आउटपुट्स को अपनी एफिशिएंसीज को नहीं बेहतर करेंगे और 16,000 लोगों को इफेक्टिवली ब्रूए कार नहीं लाएंगे तो हमारे आउटपुट्स कैसे बेहतर हो सकते हैं? अभी जो इस वक्त जो 3.3 ट्रिलियन से 4 ट्रिलियन की तरफ हम जा रहे हैं, जो इस वक्त हमारा हदफ है एफबीआर का, वो हम हासिल तो कर लेंगे, लेकिन वो कैसे करेंगे कि जो एग्जिस्टिंग जो आपके टैक्स में लोग हैं उनको बार बार नोटिस भेज के उनके पिछले 6-7 साल के अंदर माइक्रोस्कोप के अंदर से कोई गलती डाल के और उनको आर्म ट्विस्टिंग करके और उनको मजबूर करके कि जी अच्छा तुम और पैसे जमा करा दो तो ये हम क्लोज कर दे, लिटरली ये बात होती है। ये लास्ट टैक्स आप खुद डील करते हैं इसके साथ। नामा और पैराडाइज में जिन लोगों के नाम आए हैं, आपके ख्याल में हुकूमत को इनको किस तरह डील आउट करना चाहिए? देखिए ये 114 जिस जमाने में, इसकी बहुत लंबी हिस्ट्री है और जिस जमाने में ये लॉज आए थे और ये प्रोटेक्शन हासिल हुई थी, उस वक्त मकसद ये था कि हमारे बाहर से पैसे मुल्क में आए
और उसको प्रोटेक्शन हासिल हो, तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो बैंकिंग चैनल को इस्तेमाल करें। लेकिन ओवर द ईयर्स इसको जो है वो लोगों ने मिसयूज़ करना शुरू किया। तो आई थिंक इसको जूँ जूँ हम ट्रांसपेरेंट होते जा रहे हैं और दूसरे ममालिक के साथ हम शेयरिंग कर रहे हैं, शेयरिंग ऑफ डेटा और इन्फॉर्मेशन, तो आई थिंक ये डेफिनेटली एक सेफ हेवन है जिसको लोग मिसयूज़ कर रहे हैं, तो इसको डेफिनेटली बंद करना पड़ेगा। एक तो मेरे ख्याल है ये एक मिस्ड अपॉर्चुनिटी है, इसको अगर बंद करेंगे तो वो बेहतरी आएगी उसके अंदर। तो आपके ख्याल में क्या ये जो टैम करेंगे तो इससे क्या टैक्स बेस बढ़ सकेगा? मैं डिक्लेयर, वो एग्जैक्टली मैं कह रहा हूँ कि डिक्लेयर होने चाहिए। अब इशू ये है कि उसको वापस लाने के लिए मासवा इसके कि गवर्नमेंट बहुत अच्छे इंसेंटिव्स दे, कोई पॉलिसीज दे, कोई ऐसी चीज़ें दे कि जिसके अंदर वो उनको अट्रैक्ट किया जाए, इसके अलावा तो और कोई तरीका नहीं है कि वो लाया जाए, क्योंकि बाय फोर्स लाना तो इम्पॉसिबल है। आप ये देखें कि अमेरिकन इकॉनमी इतनी बड़ी इकॉनमी होने के बावजूद भी वो भी बहुत ज़्यादा इस तरह के जो ऑफ शोर अकाउंट्स हैं उनका वो वापस लाना उनके लिए बहुत मुश्किल है, तो हमारे लिए तो ऑब्वियसली और भी मुश्किल है जहां पे डॉक्यूमेंटेशन बहुत कम है। तो इसको अब 2 साल से हम एक केस को एक्सप्लोर कर रहे हैं, तो आप इमेजिन करें कि वो 400, 350 और अब 400 और जो लिस्ट आ गई है उसको एक्सप्लोर करने के लिए तो एक सदी चाहिए, तो ये बड़ा मुश्किल है। हमारे पास वो अभी इस वक्त वो नॉलेज नहीं है कि उसके अंदर हम वो पूरी तरह जा सकें। आई थिंक इंसेंटिव्स क्रिएट करने पड़ेंगे और हुकूमत को डेफिनेटली आई थिंक टैक्सेशन की मद में अपने फ्लैट, लो फ्लैट एंड सिंपल टैक्सेशन इंपोर्ट के अंदर, इवन अब वर्ल्ड बैंक की में अभी भी एक रिकमेंडेशन आई हुई है कि आप अपने टैरिफ लाइंस को सिंप्लीफाई करें और उसको फ्लैटर करें। शुमाइल दास साहब, ये जो आपको ये मालूम है कि जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो प्रपोजल देती हैं गवर्नमेंट उनको क्यों नहीं अडॉप्ट करती है? बिल्कुल, और ये जो मैं बात कर रहा हूँ ये बाय द वे इसके ऊपर पूरा रिसर्च पेपर है, हमारे पास किताबें लिखी हुई हैं, हमारा एक बाकायदा इसके ऊपर यानी कि डिटेल्ड हैं, और वी हैव बीन अप्रोचिंग द गवर्नमेंट थ्रू दैट। तो क्यों ऐसा होता है सर? बिकॉज हुकूमत को लगता है, जो मुझे जो तासर मिलता है जब भी हम इंटरेक्ट करते हैं, हुकूमत को ये लगता है कि जी हम ये करेंगे तो शायद हमारा एकदम जिसे कहते हैं एक शुरू में एक डिप आएगा, और वो डिप की वजह से वो डरते हैं कि शायद ये जो अभी भी कलेक्शन है अगर ये और भी गिर जाएगी तो हमारा लेट्स से इस वक्त अगर 4 ट्रिलियन है और पिछले साल अगर 3.3 ट्रिलियन था तो हम शायद ये भी नहीं पूरा कर सकेंगे, तो फर्दर हमें जो है इसकी डेट फाइनेंसिंग करनी पड़ेगी इन ऑर्डर टू, और हमारा बजट डेफिसिट बढ़ जाएगा। सो वो ये एक खौफ है और कुछ रिलक्टेंस है, एक ओल्ड अप्रोच है ब्यूरोक्रेसी की कि जी यही तरीका है कि हम जो है एक सख्ती से अप्रोच करेंगे, ये तो उनका फ़र्ज़ है, लोगों को तो देना चाहिए। दिस इज़ नॉट हाउ इट, यू हैव टू ब्रिंग एवरीवन एज के ये आपके पार्टनर्स हैं, यू नो पार्टनरशिप की अप्रोच होनी चाहिए। ऑल्दो हमने हालिया सुना है जो इस वक्त चेयरमैन हैं, आई थिंक उन्होंने कुछ पॉजिटिव इस तरह की बातें की हैं, बट यू नो रिफ्लेक्ट होने में वक्त लगता है नीचे। चुमान साहब बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, हम अब ब्रेक लेंगे और ब्रेक से वापस आएंगे तो हम बात करेंगे, हमारी टीम ने एक और पैकेज तैयार किया है उस पर बात करेंगे और आपको दिखाएंगे, हम टैक्स की दुनिया में आपको लेके चलेंगे और आप देखेंगे कि दूसरे ममालिक में जहाँ डेवलप कंट्रीज हैं वहाँ पर टैक्स का कैसा निज़ाम है। वापस आते हैं ब्रेक के बाद। नाज़रीन, ब्रेक में जाने पहले हम बात कर रहे थे कि हमारी टीम ने एक पैकेज तैयार किया है और हमारे सेगमेंट का नाम है टैक्स की दुनिया। इसमें हम आज आपको दिखाएंगे एक दुनिया का मुल्क है माल्टा, जहाँ पे टैक्स का निज़ाम कैसा है, लोग कितना टैक्स देते हैं और उसके बदले हुकूमत उनको क्या मराद देती है, और फिर हम देखेंगे कि आप कि इस डेवलप कंट्री में टैक्स का निज़ाम कितना मज़बूत है और कितना वो निज़ाम जो है आम आदमी को फ़ायदा पहुँचा रहा है। आइए वो पैकेज देखते हैं हमारी टीम ने तैयार किया है माल्टा के बारे में, टैक्स की दुनिया। माल्टा एक गुंजान आबाद मुल्क है जो जज़ायर बहरे रोम के करीब मौजूद है, जिसका शुमार दुनिया की छोटी कंट्रीज में होता है। माल्टा की कुल आबादी तकरीबन 4.5 लाख के करीब है। यहाँ का टैक्स निज़ाम कारोबारी शख्सियात सरमायाकारों के लिए बहुत फायदेमंद है। माल्टा में अगर किसी दूसरे मुल्क से आने वाला शख्स तकरीबन 6 माह से ज्यादा कयाम पजीर होता है तो वो यहाँ का रेजिडेंट समझा जाता है। माल्टा में प्रोग्रेसिव टैक्स निज़ाम है जिसके मुताबिक गरीबों पर टैक्स कम और अमीरों पर ज्यादा होता है। यहाँ की हुकूमत के मुताबिक अगर एक शख्स अकेला रहता है तो उसका टैक्स रेट मुख्तलिफ होगा, जबकि शादीशुदा और बच्चों के साथ रहने वाले शख्स का टैक्स मुख्तलिफ होगा। दूसरी जानिब माल्टा में सेल्स टैक्स की शरह 18% है। माल्टा में टैक्स की बुनियाद आपके मकामी जरिया आमदनी पर मुनहसर है। एक्सीमियम एक्स परसेंट गैर मुल्की आमदनी पर मबनी कम टैक्स की शरह की वजह से ताजिरों के लिए निज़ाम बहुत फायदेमंद है। माल्टा से बाहर की सरमायाकारी पर कोई टैक्स नहीं है। ये मुनहसर खानदान के मेम्बरान या वर्सा टैक्स पर मुकामी कारोबार के लिए टैक्स की शरह 0 से 35% है और डबल टेक टैक्स मुआहदे की इमदाद दस्तियाब है। माल्टा में मुख्तलिफ कंपनीज के लिए 35% टैक्स मुकर्रर किया गया है।
नाज़रीन आपने देखा ये माल्टा दुनिया का एक मुल्क है जहाँ पर टैक्स का कितना मजबूत निज़ाम है और ये निज़ाम आम आदमी को कितना उसको समराद उसको मिल रहे हैं उस टैक्स निज़ाम के। और हम यही चाहते हैं, हम अपने प्रोग्राम में बात करते रहें कि पाकिस्तान का टैक्स निज़ाम को भी मजबूत होना चाहिए, टैक्स रेट कम होनी चाहिए, हर आदमी को टैक्स देना चाहिए, लेकिन जो आदमी जिसके पास रिसोर्स कम है उसको कम टैक्स देना चाहिए, जिसके पास आमदनी ज़्यादा है उसको ज़्यादा टैक्स देना चाहिए। और इसी तरह ये निज़ाम आगे बढ़ता है टैक्स का और इसी तरह मुल्क जो है तरक्की पजीर से तरक्की याफ्ता मुल्क बन जाते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान का टैक्स निज़ाम भी बेहतर होगा, लेकिन आइए देखते हैं कि आवाम क्या कहती है पाकिस्तान के टैक्स निज़ाम के बारे में, महंगाई के बारे में वो कितना परेशान है। और हम इस सेगमेंट को आपके साथ लेके आएंगे अब अगले प्रोग्राम में कि टैक्स की बात करेगा कौन, मैं और आप। जो टैक्स पेयर जो लोग हैं उनको कम से कम हमें मुल्क में जो हमारे जो मुश्किलात हैं उसमें कम से कम टैक्स पेयर लोगों को तो सहूलियात मिलनी चाहिए, उनके लिए अच्छे इकदाम करने चाहिए और उनको फैसिलिटीज़ देनी चाहिए। जारी बात है वो टैक्स पेमेंट करते हैं, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है हमारी कंट्री में। मैं समझती हूँ जितनी महंगाई बढ़ती जा रही है उतनी फिर सैलरी भी इंक्रीज़ होनी चाहिए ताकि आवाम को कुछ बेनिफिट तो मिले ना। आप फॉरेन कंट्रीज़ में जाके देखें वहाँ पे आवाम को क्रिसमस पे आपको बेनिफिट्स मिल रहे होते हैं, सस्ताई वहाँ पे होती है, यहाँ पे हर चीज़ महंगी होती जा रही है, सैलरीज आवाम की इंक्रीज़ नहीं हो रही हैं। क्या चाहते हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा। टैक्स जो हम लोग देते हैं वो तो सब खा जाते हैं, अगर ऊपर से लेके नीचे तक बंदा पैसे दें वो उसका फ़ायदा आवाम को होगा। ये टैक्सेस हैं हमारी गवर्नमेंट को जाती हैं और उन्हीं टैक्सेस से जो है ना हमारी गवर्नमेंट हमें आवाम को सहूलियात मुयसर करती हैं। हर चीज़ पे लेते हैं, किस चीज़ पे छोड़ा हुआ है इन्हें, पेट्रोल चीज़ हर चीज़ पे, पेट्रोल हम लोग गाड़ी पे आते हैं किराया देते हैं ना उसमें टैक्स लेते हैं ना, अगर वो एक रुपया बढ़ता है तो यहाँ पाँच रुपये किराया बढ़ता है ये टैक्स नहीं और क्या है, डबल ट्रिपल ट्रिपल टैक्स लेते हैं और क्या है। टैक्स देने का फ़ायदा ये कि हमें कुछ सहूलत मिल जाए, लेकिन गवर्नमेंट तो ये दे ही नहीं रही ना हमें, वो तो खुद अपने जेब भर रही है आवाम से लेकर, आवाम का पैसा अगर आवाम में ही वापस नहीं आया तो फ़ायदा क्या चीज़ का। नाज़रीन आपने देखा था कि ये हमने पहले थोड़ी देर पहले आपको दिखाया था माल्टा का टैक्स निज़ाम और आपने देखा पाकिस्तान की आवाम कितनी परेशान है टैक्स निज़ाम से। उनको ये पता है कि ये पैसे टैक्स में जा रहे हैं लेकिन खर्च उन पर नहीं हो रहे, जबकि टैक्स के निज़ाम में बुनियादी चीज़ ये है कि टैक्स में पैसे तो जाएँ लेकिन खर्च आम आवाम पर हों। हम इस बात के साथ हमें ब्रेक लेना है, वापस आते हैं ब्रेक से, फिर हम बात करेंगे कि हमारे अरबाब अख्तियार क्या कहते हैं टैक्स के निज़ाम के बारे में और उनकी क्या राय है और वो क्यों नहीं ऐसे इकदाम करते ताकि पाकिस्तान का टैक्स निज़ाम मजबूत हो सके। नाज़रीन ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे पाकिस्तान के टैक्स निज़ाम पे, हमें शौकत बस्तर साहब ने ज्वाइन किया, ये पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं, आइए उनसे बात करते हैं। शौकत साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम भाई, बहुत शुक्रिया आपने हमारे लिए वक्त निकाला। मैं आपसे पूछना ये चाह रहा हूँ कि पाकिस्तान का टैक्स निज़ाम जो आप देखते हैं, आपका भी काफ़ी गहरी नज़र है इस पर, और ये जो पनामा और पैराडाइज के मामला आ रहे हैं तो क्या समझते हैं क्यों ऐसा हो रहा है पाकिस्तान में? देखिए यहाँ पर कोई सिस्टम ही नहीं है, क्योंकि जो टैक्स लेने वाले हैं वही सबसे बड़े टैक्स चोर हैं। अच्छा। और यहाँ पर जो गवर्नमेंट पॉलिसीज हैं आप ये देख ले, आज की जो सिटिंग गवर्नमेंट उसको देख ले कि जो मौजूदा प्राइम मिनिस्टर तीन दफा रहे, आप उनकी जरा शीट निकाल के देख ले वो कितना टैक्स देते हैं, वो तो खुद टैक्स चोर थे। आज अगर इसी टैक्स चोरी की वजह से उन लोगों ने ऑफशोर कंपनियां बनाई, आप पनामा के अंदर देख लें, आप मियां मंशा देख लें जो सबसे बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट है, छह उसकी ऑफशोर कंपनीज निकल आई हैं। असल में हम लोग सिर्फ पाकिस्तान को खा रहे हैं, पाकिस्तान को एंजॉय कर रहे हैं, टैक्स देने के लिए कोई भी तैयार नहीं है। और टैक्स का निजाम जब तक बेहतर नहीं होगा पाकिस्तान, और देखे ना जो हैव नॉट्स हैं, क्योंकि जो छोटे छोटे लोग जो छोटे छोटे कारोबार करते हैं, आए दिन मैं देखता हूँ एफबीआर वाले, उनको कभी उन्होंने अंदर किया होता है कभी उनके खिलाफ। लेकिन शंकर साहब अगर आप दो साल पहले का स्टेटमेंट देखें जब पार्लियामेंटेरियन ने कहा था कि जी हमारा टैक्स कट जाता है तो हमें रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं है, तो इससे तो ये लगता है कि पूरी पार्लियामेंट जी इस बात पर मुत्तफिक है कि उनको टैक्स निज़ाम उनको पकड़ नहीं सकता। देखिए ब्रदर ये वो बात कर रहे हैं कि जो सैलरी आती है उसके ऊपर उसका उनका टैक्स कटता है ना जी। बाकी जो आप कारोबार कर रहे हैं खा वो पार्लियामेंटेरियंस हैं, खा वो ब्यूरोक्रेट्स हैं, खा वो फौज के लोग हैं, खा वो उनके आप जजेज हैं, खा सहाफी हैं, खा बिजनेस कम्युनिटी है, मुझे बताए ना कि उनका एक सिस्टमेटिक होना चाहिए। आज मुझे बताए इन्होंने कहा था कि हम इतनी लोगों को हम नेटवर्क में लेकर आएंगे, बाकायदा इन्होंने एफबीआर वालों ने एक फिगर दिया था कितने लोग नेटवर्क में आ गए, कितना आपका कलेक्शन हो रही है। और यहाँ पर जुल्म ये हो रहा है कि जो लोग टैक्स दे रहे हैं जो अच्छे टैक्स पेयर्स हैं उनके ऊपर ये प्रेशराइज उनको करते हैं, उनको
तो आप क्या समझते हैं, आपकी क्या समझते हैं टैक्स का निजाम में बेहतरी करनी चाहिए, क्या ऐसे इकदाम करने चाहिए जिससे टैक्स निजाम बेहतर हो सके पाकिस्तान का? देखिए जी, सबसे पहले तो जो टैक्स निजाम है इसको बनाने के लिए वो लोग जो इन पर टैक्स लागू हो तो उनको टैक्स नेट में लेकर आना चाहिए और उनको पब्लिक करना चाहिए कि ये कम्युनिटी है ये टैक्स, और उनको उनको पब्लिक कर दें, हाँ कोई चौकत बच रहा है, हाँ कोई और है, कि ये इसके जराए हैं, ये इसके सोर्सेज हैं, इसके बावजूद ये टैक्स चोरी कर रहा है, ये टैक्स चोर है। उनको बकायदा टीवी पे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया पे टैक्स चोरों को जब तक आप सामने नहीं लेकर आएंगे, पाकिस्तान की इकोनॉमी आज देखिए कि क्या हालत है, आज पाकिस्तान की इकोनॉमी की सूरत ये है कि आपके पास तनख्वाहें देने के लिए पैसे नहीं है भाई। लेकिन पाकिस्तान में, पाकिस्तान में तो कोई नेशनल टैक्स पॉलिसी नहीं है पूरे पाकिस्तान में इतनी, तो वो पहले भाई तो आप लोग उस पर कोई 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 प्रपोजल दें, कोई आगे बढ़े उस पर बात करें कोई? इसके ऊपर मैं आई स्टिल रिमेम्बर, अभी इसके ऊपर जब बकायदा डिबेट हुई थी पार्लियामेंट के अंदर, लीडर ऑफ द अपोजिशन ने ये कहा था कि हमसे हर तरह का तावन आप बताइए कि किस तरह हम आपको बता सकते हैं भाई, ये करना है गवर्नमेंट ने। गवर्नमेंट जब आप सिक्योरिटिज्म करेगी, अपने लोगों को लेकर आएगी, खुद टैक्स नहीं देगी, खुद टैक्स चोरी करेगी, खुद आपकी कंपनियां बनाएगी। अब पनामा का मामला देखे ना, सबके सामने आ गया, पनामा किन लोगों की निकली है, जिनकी निकली है सिवाय नवाज शरीफ के जो खुद प्राइम मिनिस्टर है, बाकी लोगों को पकड़ा गया, पकड़े उन लोगों को भी जिनकी ऑफशोर कंपनी निकली है, और नवाज शरीफ तो सबसे बड़ा लीडिंग आदमी निकला है और उसका खानदान निकला है जो टैक्स पे। सही, तो आप क्या आप समझते हैं कि जो 2018 के इलेक्शन आ रहे हैं इसमें आपकी पार्टी के मैनिफेस्टो में होगा टैक्स निजाम को बेहतर करना? बिल्कुल 100% मैं आपकी एग्री कर, सिर्फ ये नहीं, हमारा बाकायदा जो मंशूर तैयार हो रहा है उसके अंदर आप देखेंगे हमारी मंशूर कमेटी है, उसमें हमारे बहुत ब्रेन है जिनमें खासतौर पर शहरी रहमान साहब हैं, सलीम मांडीवाला साहब हैं, वो लोग जो इस चीज को समझते हैं उसके ऊपर वर्किंग कर रहे हैं। बाकायदा हम इसका एक आइडिया देंगे, सिस्टम देंगे, विजन देंगे ताकि टैक्स चोर बच ना सके और लोग वो जो टैक्स नेट में नहीं है उनको टैक्स नेट में। इसलिए कि हम देखते हैं कि लोग बात तो करते हैं लेकिन अमली इकदाम कोई नहीं करता, तो ये इंशाल्लाह आपको अमली इकदाम नजर आएंगे। मैं भी आपसे कमिटमेंट है क्योंकि कोई कंट्री भी उस वक्त तक नहीं चल सकता जब तक उसका टैक्स का निजाम बेहतर ना हो। बहुत शुक्रिया शौकत साहब आपका, आपने हमारे लिए वक्त निकाला, इंशाल्लाह फिर आपको किसी प्रोग्राम में आपसे बात करेंगे। नाजरीन, आपने देखा कि हर आदमी टैक्स की बात कर रहा है लेकिन पाकिस्तान का टैक्स निजाम कमज़ोर है। अब इसमें कहाँ कोताही है, कहाँ इसमें गैप है, ये हमें फिल इन करना है, इसको आइडेंटिफाई करना है और हमें ये देखना है कि ये गैप कैसे फिल इन किया जा सकता है। इसलिए कि हुकूमत ए पार्टी की हो या हुकूमत बी पार्टी की हो, ये टैक्स निज़ाम चलते रहना चाहिए, इसको मजबूत होना चाहिए। और मैंने जैसे बात की कि नेशनल टैक्स पॉलिसी, उसमें कंसेंसस डेवलप होने चाहिए और डेवलप होकर सब पार्टीज़ बैठें और सब जो लोग हुकूमत में हैं वो बैठें और एक पॉलिसी बनाएं ताकि पाकिस्तान का टैक्स निज़ाम मजबूत बने और एक स्टैंडर्ड बने, कोई हुकूमत आए कोई हुकूमत जाए वो निज़ाम अपनी जगह पर कायम रहे। इस बात के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।